इसमें जैसा कि हम लोगों ने पहले भ्रमण किया, इससे पहले भी आकर के यहाँ पर भ्रमण किया गया है, हमारे अनुपदाधिकारियों के द्वारा भी भ्रमण किया गया है। जो चीज़ें पाई गई खासकर जैसे साफ सफाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सब चीज़ों की बड़ी दयनीय स्थिति पाई गई। और इन सब चीज़ों पर अभी विभाग का है कि एक मिशन 60 डेज करके एक पूरा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत इन सारी चीज़ों को दुरुस्त करना है। तो वो छोटी से छोटी चीज़ें, जैसे उदाहरण अगर देना चाहे, जैसे बिल्डिंग के ऊपर में छोटा सा पौधा जम गया या काई लगा हुआ है, वहाँ से लेकर के पानी का, अटेंडेंस का, और पब्लिक एड्रेस सिस्टम, खाने पीने का, सारी चीज़ों का, नया बिल्डिंग बनाने का, पुरानी जो बिल्डिंग है उनको ध्वस्त करके वहाँ पर पार्किंग स्पेस और नया सा जो है मीटिंग हॉल और ऑडिटोरियम और ऑफिसेज बनाने का, सारी चीज़ों पर बात हुई। कुल मिलाकर के करीब 25-30 पैरामीटर्स पर हम लोगों ने काफ़ी विस्तार से बात की। और हॉस्पिटल सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अलावा भी हमारे यहाँ पर बाकी तमाम अन्य वरीय पदाधिकारी थे, जैसे नगर आयुक्त साहब थे, अपर समाहर्ता थे, बाकी हमारे जो तकनीकी विभाग हैं जैसे रोड है, बिजली है, फायर है, पुलिस है, सभी से हमारे वरीय पदाधिकारी थे। तो सभी के सहयोग से हम लोगों को इसको एकदम बढ़िया अस्पताल बनाना है। और जो भी यहाँ पर अभी दिख रहा है, ये आगे आने वाले समय में हम लोगों को नहीं मिले, उन सब चीज़ों पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा पेशेंट के बारे में, उनको जो दी जाने वाली सुविधाएं हैं उनके भी बारे में, सारी चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में प्लानिंग किया, डिस्कशन किया है, और उसको अब हम लोगों को एग्जीक्यूट करना है। अभी जो दो वर्तमान में बिल्डिंग बन रही है उनके आसपास जो इतना खराब स्थिति में पड़ा हुआ है, उसको सुधारने के लिए, जल्दी से उसका निर्माण कार्य पूरा करने के लिए उस पर भी बात हुई है। बाउंड्री काफ़ी क्षतिग्रस्त है, नहीं है, उसको भी लेकर के बात हुई। तो कमोबेश हर चीज़ को हम लोगों ने इसमें कवर किया है, और उम्मीद कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में हर चीज़ को हम लोग दुरुस्त करके एक ही अस्पताल बनाएंगे, जिसको देख करके लोग कहना चाहेंगे कि अच्छा, ये तो वही अस्पताल है जो ऐसी स्थिति में था।